नाम सुभाष गोतवाल है, ये मेरा बेटा सिद्धांत, उम्र 17 साल। और तो जो है कि इनके कान में प्रॉब्लम थी 2-3 साल से। मैं कहीं दूसरे डॉक्टर साहब को दिखाया था, तो दिखाते दिखाते 2 या 2.5 साल लग गए। उसके बाद में मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया, तो वहाँ डॉक्टर ने देखा कि इसके कान की सर्जरी होनी है। फिर मैं मणिपाल हॉस्पिटल का नाम किसी से सुना, स्टाफ अच्छा लगा, तो फिर मैं मणिपाल हॉस्पिटल में आके डॉक्टर आशीष वशिष्ठ जी डॉक्टर साहब है उनसे मिला। उन्होंने मेरे बेटा का सर्जरी करी और उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मुझे अच्छा लगा उनका सर्जरी। यही मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मणिपाल हॉस्पिटल का कि मैं टाइम से इधर आ गया और मेरे बेटा का कान की सर्जरी हो गई। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष वशिष्ठ, नाक कान गला विभाग, मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका से। ये कहानी सिद्धांत की है, जो कि 11th क्लास में पढ़ता है, बहुत ब्राइट स्टूडेंट है। और अनफॉर्चुनेटली ये जब हमारे पास आया, लाया गया इसके पेरेंट्स के साथ, तो इसको कान में एक डिजीज थी जिसे हम कहते हैं कोलेस्टेटोमा और कहते हैं क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। ये लंबे समय से जब कान बहता है बच्चों का या बड़ों का, तो उन लोगों को ये बीमारी होती है। कॉमनली हमारे कम्युनिटी में, गांव में, शहरों में कान बहने को बहुत नॉर्मल लिया जाता है। लोग नहीं जानते कि इसको लेके डॉक्टर के पास जाना है, दिखाना चाहिए, इसके नुकसान क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। लोग कभी कभी कान में तेल डाल देते हैं कि कान बह रहा है। ये सब गलत है, मिथ्स है। और कान बहने को या कम सुनने को, स्पेशली जब वो बच्चों को हो, तो उसको कैजुअली नहीं लेना चाहिए और ज़रूर से अपने पास के ENT डॉक्टर को या किसी हॉस्पिटल में जाके आपको दिखाना चाहिए। सिद्धांत जब हमारे पास लाया गया, तो वो एक हॉस्पिटल से हमारे लिए रेफर किया गया था, बिकॉज जब सिद्धांत को वहाँ पे लेके गया गया उन हॉस्पिटल्स में, वहाँ पे उसके टेस्ट हुए, CT स्कैन हुए, MRI हुए, तो उसके केस में बीमारी इतनी बढ़ चुकी थी कि उसके कान की हड्डी को पूरी तरह खा चुकी थी। इनफैक्ट दिमाग की ओर बढ़ रही थी, दिमाग और कान के बीच का जो एरिया जिसको हम ड्यूरा कहते हैं, उस पर एकदम चिपकी हुई थी। तो यहाँ वो ये स्थिति होती है कि यहाँ पे अगर हम इसको इलाज ना करें तो कॉम्प्लिकेशंस होने का बहुत चांस होता है, जैसे कि मेनिनजाइटिस जिसे कहते हैं दिमागी बुखार, या दिमाग के अंदर पस पड़ जाना, या फेशियल नर्व पैरालिसिस, चेहरे के अंदर फालिश आ जाना। आप सोच सकते हैं कि एक 11वीं या 12वीं क्लास के बच्चे के लिए ऐसा कुछ भी हो जाना एक बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन है लाइफ में, और शायद इससे उभर पाना भी आसान नहीं होगा। परमानेंट हियरिंग लॉस का रिस्क रहता है। तो ऐसा होने के बाद स्कूल लाइफ, सोशल लाइफ बहुत अफेक्ट हो सकती है। पेरेंट्स के लिए ये बहुत डिप्रेसिंग हो सकता है, गिल्ट हो सकती है कि टाइम से इलाज नहीं कराया गया बच्चे का। और इसमें एक लाइफ का रिस्क भी है, अगर बीमारी दिमाग तक पहुंच जाए, ज़्यादा पस पड़ जाए, तो एक चांस ऑफ डेथ और मोर्टेलिटी भी होता है। तो सिद्धांत को जब हमारे पास लाया गया, तो हमने उसके स्कैंस किए, हमने देखा कि बीमारी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ी हुई है, एकदम पीक स्टेज पर पहुँची हुई है। तो हमें जल्द से जल्द उसको ऑपरेट करना था, पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना पड़ा। पेरेंट्स के लिए भी ये न्यूज़ आसान नहीं होती एब्जॉर्ब करना कि बच्चे को इतनी बीमारी है, इतनी एक्सटेंसिव है, ऑपरेशन खासा ख़तरनाक है और बड़ा है। तो ये सब चीज़ें एब्जॉर्ब करने में, प्रोसेस करने में टाइम लगता है, डिसीजन मेकिंग में टाइम लगता है, बट टाइम ज़्यादा था नहीं हमारे पास। सो हमें उसको जल्द से जल्द ऑपरेट करना पड़ा। ये सर्जरीज जो होती हैं खासी कॉम्प्लिकेट होती हैं, नॉर्मल नहीं होती। सर्जिकल टाइम 6 से 8 घंटे तक चल सकता है। बीमारी को दिमाग की जो परत होती है, इसको ड्यूरा मैटर कहते हैं, उससे निकालने में बहुत टाइम भी लगता है, बहुत एक्सपर्टीज चाहिए होती है, इक्विपमेंट चाहिए होता है, और कॉम्प्लिकेशन का चांस इसमें रहता ही है हमेशा। लेकिन क्योंकि एक अच्छे सेटअप में ऑपरेट करके ये चीज़ जब ठीक से एग्जीक्यूट होती है और रिकवरी अच्छी होती है, तो ये इन बच्चों के लिए एक सेकेंड लीज ऑफ लाइफ होती है। हियरिंग रिहैबिलिटेशन भी बाद में की जा सकती है, उसके बहुत तरीके होते हैं, नॉन इन्वेजिव, नॉन सर्जिकल। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट हमें ये समझना है कि एक लीज ऑफ लाइफ है जो बच्चों को मिली है, जिसके ज़रिए आगे वो कुछ कर सकते हैं। ये बात कम्युनिटी में कहने का सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न हमारे लिए ये है कि ताकि कल को कुछ और पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर्स, जब उनके साथ कोई ऐसा हो जिसमें कान से बहुत समय से, लंबे समय से, सालों से पस आ रहा हो, डिस्चार्ज आ रहा हो, या प्रोग्रेसिवली कम सुन रहे हों, या फिर उन्हें किसी ने बताया हो कि उनको कोलेस्टेटोमा या ओटाइटिस मीडिया वाली बीमारी है जिसमें कान की हड्डी गल रही है, इसको लाइटली ना लें। और अगर आपसे कोई ये भी कह दे कि ऑपरेबल नहीं है, या ऑपरेशन में मौत का डर है, या ये ऑपरेशन कभी ठीक नहीं हो पाएगा, बच्चे का कान हमेशा बहता रहेगा, तो ये सब कही सुनी बातों में ना पड़े और हताश ना हो,
और ज़रूर से पास के एक अच्छे ENT हॉस्पिटल में जाके ज़रूर दिखाएं। आज के टाइम में ऐसी कोई बीमारी शायद नहीं है कान की जिसका हम इलाज ना कर सकें। स्पेक्ट्रम सबका अलग होता है, सर्जिकल टाइम अलग होता है, मोबिलिटी अलग होती है, रिकवरी के टाइम बदल सकते हैं, हफ्ता, 10 दिन, मे बी महीना, लेकिन इलाज सबका होता है, होना चाहिए। और ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, तो ठीक समय पे, ठीक जगह पे इलाज होना, चाहे वो मेडिसिन से हो चाहे ऑपरेशन से हो, बहुत ज़रूरी है। सारे ऑपरेशन एक समान नहीं होते हैं, हर ऑपरेशन का एक्सटेंट अलग होता है, और जैसी बीमारी वैसा इलाज भी कभी कभी करना पड़ता है। तो अगली बार आपके घर में, आपके परिवार में किसी को कान बहने की समस्या हो, कम सुनने की समस्या हो, या आपके डॉक्टर्स ने आपको डायग्नोज किया हो कान की बीमारी के साथ, तो उसको लाइटली ना लें, डरें भी नहीं, सिर्फ आके अपने हॉस्पिटल में आके अपने डॉक्टर से इसको डिस्कस करें। आपके लिए हम हमेशा हैं। अगर आपको लगे कि कोई ओपिनियन कहीं से नहीं मिल रहा है तो हमसे मणिपाल हॉस्पिटल में कॉन्टैक्ट करें। हमें उम्मीद है हम मदद कर पाएंगे। थैंक यू।